नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनाचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट नेपाल बॉर्डर को लेकर आ रही है। नेपाल से लगे सीमावर्ती जिलों में अलर्ट कर दिया गया है और जानिए नेपाल सरकार ने ये निगरानी क्यों बढ़ाई है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर देखें, तभी पता चल पाएगा कि नेपाल बॉर्डर पर इतनी निगरानी नेपाल सरकार क्यों बढ़ा रही है। नेपाल की सीमा से सटे सीमावर्ती जिले बहराइच में नेपाल से वापस लौटे 19 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे जिले को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही संक्रमित पाए गए सभी के सैंपल जीमोंग सिक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। साथ ही प्रदेश के नेपाल सीमा से लगे दूसरे जिलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ गोंडा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखमीपुर खीरी, पीलीभीत में भी नेपाल की सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ निगरानी कमेटियों को नेपाल से लौटकर आए लोगों को चिन्हित कर उनकी जांच करने के निर्देश भी दे दिए हैं। दूसरी तरफ कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाने के लिए प्रदेश में KGMU, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था, BHU, चाइल्ड PGI, जिम्स, CDRI व NBRI में भी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और भारत नेपाल बॉर्डर पर बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर 19 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके कारण भारत नेपाल बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और जांच करने के बाद उन्हें बॉर्डर पर प्रवेश दिया जा रहा है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके।